कैसे ये करीबन 12:30 के करीब वारदात हुई थी, और जो मेरा मैटर ख़त्म हुआ था उसके बाद ही ये वारदात हुई है। तो उसके बाद जैसे ही जब मैं निकला हूँ उसके बाद फायरिंग होने लग गई थी, तो हमने ऊपर आके देखने की कोशिश करी पर वो क्रॉस फायरिंग ले थे, हम दूर रहे उससे। क्या हुआ था कि मतलब क्या कौन लोग थे जिनके बारे में? वो जो गैंगस्टर थे उनके जो भी उसके उनकी परिचय अभी पता नहीं लगा कौन है कौन नहीं, वो तो परिचय दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो लोग उनका परिचय देंगे, उनके आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन लोग थे वो। पर ये माना जाता है कि उनके जो गोगी गैंग है उसके जो जो उसके जो अपोजिट साइड पार्टी है वही लोग होंगे। जी जी किस टाइम पे करीबन 12:30 बजे जी उसी टाइम पे जैसे उसको अंदर गया, अंदर जाने की वो पेशी हो रहा था उसी टाइम पे ये सब हुआ है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंग वार का मामला सामने आया है, करीब 2 बजे की ये घटना बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ जो हालात हैं यानी कि पूरी तरीके अफरा तफरी का माहौल हुआ, उसके बाद यानी करीब 37 राउंड गोलियां यानी कि दोनों तरफ से चली, जिसके बताया जाता है कि जो जितेंद्र गोगी को मारने के लिए जो बदमाश आए थे उनमें एक राहुल बताया जाता है जिनको स्पेशल सेल की टीम ने वहीं पर ढेर कर दिया। जिसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी जाँच चल रही है यानी कि अंदर कैसे एंट्री हुई, और बताया ये जा रहा है कि जो दोनों बदमाश थे राहुल और उसका साथी जिनको यानी कि यूनिफॉर्म थी वो वकील की यूनिफॉर्म पहनकर अंदर हुए थे और साथ में हथियार लेकर गए थे। इस तरीके देख सकते हैं इनकी जो पूरा जो घटनाक्रम घटा उसके सामने यानी कि जो कोर्ट रूम के अंदर ही ये पूरा मामला हुआ है। इसके बाद और जिसके बाद यानी कि एक बताया जा रहा है कि लोगों का कहना है कि एक एडवोकेट भी यहाँ पर उसी दौरान यानी कि इंजर्ड हुआ है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यानी कि यहाँ पर यानी कि जो बदमाशों की एंट्री हुई है उसको यानी कि जो सवाल या निशान जरूर उठ रहे थे सिक्योरिटी को लेकर, इस तरीके से जो सिक्योरिटी यहाँ पर देखी जाती है यानी कि जो बदमाश यानी कि हथियार लेकर अंदर एंट्री हुई है इसके लेकर यानी कि सवाल जरूर खड़े होते हैं। ऐसे में यानी कि जो पूरी टीम थी इसमें से सेल की उसने तत्परता दिखाते हुए यानी कि दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर के साथ राम कुमार, TV9 भारतवर्ष दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।